तो 2023 को खत्म टाटा गुड बाय बोलने के बाद अगर तुम लोगों को यकीन आ गया कि 2022 को 2 साल हो गए हैं, 2022 को 2 साल हो गए, हाँ भाई ये कब हुआ? ये कुछ आज ही हुआ है। और एक फैक्ट की बात बताऊं, 2020 को भी 4 साल हो गए। अबे चल चल कुछ मत फैक्ट, 4 साल पहले तो 2016 सच में 4 साल हो गए क्या? तो ये फालतू की बातों को छोड़ के एक हफ्ते के न्यू ईयर रिजोल्यूशन को तोड़ के साल की सबसे पहली वीडियो में तुम लोगों का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताऊंगा 2024 के अंदर जितने भी प्रीमियम लाइव इवेंट्स होने वाले हैं। स्पेशल डिस्क्लेमर, मैं तुम लोगों को पहले यहाँ पर शेड्यूल प्रीमियम लाइव इवेंट के साथ साथ वाले प्रीमियम लाइव इवेंट्स भी होंगे जो कि अभी तक शेड्यूल नहीं हुए या फिर कंफर्म नहीं हुए, तो ये हम अपने अंदाजे और अनुभव से बताएंगे। डायरेक्ट हम लोग जनवरी से शुरू करते हैं और सबको पता है भाई जनवरी में क्या होता है। क्या होता है? हाँ भैया, पहले 7 दिन तो क्रोम नहीं खोलता हूँ लेकिन फिर 8 दिन। अबे रॉयल रंबल की बात कर रहा हूँ। तो जनवरी में तुम लोगों को रॉयल रंबल देखने को मिलेगा और अगर तुम लोग डेट पूछना चाहते हो तो इंडिया में तुम लोग उसको जनवरी 28 को देख सकते हो। उसके फरवरी में तुम लोगों को देखने को मिलेगा एलिमिनेशन चैम्बर और डब्ल्यूडब्ल्यूई इस इवेंट के लिए फिर से आउट ऑफ कंट्री जा रही है। और इस बार कनाडा नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो एक स्टेडियम के अंदर होने वाला है। उसके बाद आता है यहाँ पे मार्च का महीना जिसके अंदर हम लोगों को कोई भी प्रीमियम लाइव इवेंट नहीं देखने को मिलता है क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले यहाँ पे मेन फोकस करते हैं अपना रेसलमेनिया के ऊपर। हाँ भले ही पहले से यहाँ पे फास्ट लेन होता था और मेरे ख्याल से अभी से ज्यादा फोकस तो उस टाइम पे होता था। हाँ, तो एलिमिनेशन चैम्बर के बाद तुम लोगों को डायरेक्ट रेसलमेनिया देखने को मिलेगी जो कि 2 नाइट की होगी। फिर अप्रैल के बाद हम लोग आते हैं मई के महीने में जहां पे तुम लोगों को बैकलैश देखने को मिलेगा और बैकलैश की लोकेशन फिर से बदली है। बैकलैश तुम लोगों को फ्रांस के अंदर देखने को मिलेगा। तो अब तक जो मैंने तुम लोगों को प्रीमियम लाइव इवेंट्स के नाम बताया वो तो ऑलरेडी कंफर्म्ड है। तो जून के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कोई भी प्रीमियम लाइव इवेंट कंफर्म नहीं किया अभी तक, लेकिन जहां तक है तुम लोगों को नाइट्स ऑफ चैंपियन दोबारा से देखने को मिल सकता है या फिर किंग ऑफ द रिंग देखने को मिल सकता है। और अगर ये दोनों नहीं होते तो कुछ ना कुछ नाम बदल के जरूर होगा क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई को सऊदी के अंदर साल के 2 प्रीमियम लाइव इवेंट्स कराने होते हैं। तो अभी के लिए मैं ये मान रहा हूं कि जून के अंदर हम लोगों को नाइट ऑफ चैंपियंस देखने को मिलेगा। फिर आते हैं हम लोग जुलाई के महीने पर और बिना किसी शक के जुलाई में तुम लोगों को मनी इन द बैंक देखने को मिलेगा। और मनी इन द बैंक के रिलेटेड कोई भी डेट या फिर लोकेशन डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिवील नहीं करी है अभी तक, लेकिन आने वाले टाइम पे जरूर कर देगी। उसके बाद तुम लोगों को देखने को मिलेगा समर स्लैम। और जहां तक मुझे लगता है कि समर स्लैम तुम लोगों को या तो जुलाई एंड में देखने को मिलेगा या फिर अगस्त स्टार्टिंग में देखने को तो मिल ही जाएगा क्योंकि उसी के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू का बैस इन बर्लिन प्रीमियम लाइव इवेंट भी आ रहा है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने कंफर्म कर दिया है और उसकी डेट अगस्त 31 बताई जा रही है। और वो डेट वहां के हिसाब से इंडिया में मेरे ख्याल से सेप्टेम्बर 1 को देखने को मिलेगा। फिर बैस इन बर्लिन के बाद तुम लोगों को पे बैक या फिर फास्ट लेन में से कोई एक प्रीमियम लाइव इवेंट होते हुए दिखाई देगा क्योंकि पिछले साल समर स्लैम के बाद हम लोगों ने सितंबर में पेबैक देखा था, उसके बाद अक्टूबर में फास्ट लेन देखा था, लेकिन अब समर स्लैम के बाद बैस इन बर्लिन हो रहा है। तो तुम लोग ये समझ सकते हो कि अक्टूबर में तुम लोगों को पेबैक या फास्ट लेन में से कोई एक प्रीमियम लाइव इवेंट होते हुए दिखाई देगा। फिर उसके बाद अक्टूबर एंड या फिर नवंबर की स्टार्टिंग में क्राउन जूल देखने को मिलेगा। और उसके बाद 2024 का आखिरी प्रीमियम लाइव इवेंट, मतलब आज ही पहला दिन 2024 का चालू हुआ है और हम आखिरी की बात करने लग गए। बात तो है कुछ भाई, तो वो प्रीमियम लाइव इवेंट हम लोगों ने अभी रिसेंटली देखा है, मतलब आखिरी प्रीमियम लाइव इवेंट हम लोगों ने वही देखा है और वो प्रीमियम लाइव इवेंट है सर्वाइवर सीरीज। और बस इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई तुमसे कहेगी भाई अब हमको समा करो, हम इसके आगे तुम लोगों को कुछ नहीं दिखा सकते हैं, दिसंबर और जनवरी तुम लोग रुको, फिर 2025 का रॉयल रंबल देखो। तो लगभग 11 प्रीमियम लाइव इवेंट्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे। और अगर तुम लोग एक चीज देखो तो मार्च और दिसंबर में तो कोई प्रीमियम लाइव इवेंट हो ही नहीं रहा है। और भाई एक चीज और ऐसी है जो कि हम इंडियंस डब्ल्यूडब्ल्यूई से चाहते हैं जो कि है इंडिया के अंदर एक प्रीमियम लाइव इवेंट होना। मतलब भाई मेरा तो सपना है यार इंडिया के अंदर प्रीमियम लाइव इवेंट हो, भाई हम लोग देखें, क्या पता मैं परफॉर्म भी कर लूं, मजाक कर रहा हूं, लेकिन भाई हम चाहते हैं इंडिया में भी कोई प्रीमियम लाइव इवेंट हो भाई। लेकिन कितने लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि मैंने एनएक्सटी के इवेंट्स मिस कर दिए, पर उनको मिस करने का कारण ये था कि मैं एनएक्सटी को थोड़ा कम देखता हूँ या फिर देखता ही नहीं हूँ। तो जो भी बंदा ये वीडियो देख रहा है अगर वो एनएक्सटी देखता है तो वो नीचे एनएक्सटी के प्रीमियम लाइव इवेंट्स कमेंट कर सकता है। बाकी जितने प्रीमियम लाइव इवेंट मैंने तुम लोगों को बताया अगर उनमें से एक दो, सिर्फ एक दो अगर नहीं होता है गलती से, कोई और हो जाता है उसकी जगह, तो गाली यहाँ बकने की जरूरत नहीं। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक होगा, वहां जाके बक सकते हो। बाकी तुम लोगों को हैप्पी न्यू ईयर और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।